So hey guys, hi. This is Zagga and welcome back to our channel On Spot Esports. So bhaiyo and girls, आज की वीडियो होने वाली है हमारी esports मसाला का episode number 3. हाँ, इससे पहले ऑलरेडी हमने दो episodes ऑलरेडी निकाल रखे हैं. एंड जिनको नहीं पता कि esports मसाला कौन से भला का नाम है, तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि esports मसाला एक हमारा ऐसा सीरीज है जिसके अंदर हम ऐसे छोटी छोटी esports टिप्स के ऊपर बात करते हैं, जिनको अगर आप इस्तेमाल करोगे, जिनमें अगर आप इंप्रूवमेंट करोगे तो आपके गेम प्ले में आपको फर्क दिखेगा एंड कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में वो चीज काफी ज्यादा मददगार होती है. तो यार, पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी आपको ऑलमोस्ट 5 to 6 ऐसे टीम्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एक्चुअल में हेल्प करने वाली है टूर्नामेंट्स के अंदर. तो उन चीजों में आपको इंप्रूव करना है एंड अगर आप ऑलरेडी इंप्रूव्ड हो तो अच्छी बात है, लेकिन यार पता नहीं कौन सा पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो यार वीडियो को पूरा देख लेना. और हाँ, इसलिए पूरा देख लेना क्योंकि फायदा तुम्हारा और मेरा दोनों का होने वाला है. देखो, मैंने तुमको बोला था कि नेमिंग सीरीज के ऊपर वीडियो आएगी. हाँ, उसके ऊपर बिल्कुल वीडियो आने वाली है, उसके ऊपर काम चल भी रही है एंड वो वीडियो आइदर तुमको कल या फिर परसों के सुबह सुबह देखने को मिल जाएगा. सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो टॉपिक ऑफ ईस्पोर्ट्स मसाला एपिसोड नंबर 3. और हाँ, एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, नीचे हमने अपनी डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दे रखी है, तो उस पे ज्वाइन करके तुम डेली टूर्नामेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो. हाँ, डेली स्ट्रीम्स होता है, वो टूर्नामेंट्स नहीं होता. ज्वाइन कर लेना जब भी तुम्हें सही लगे. तो यार देखो, इस वीडियो को बनाते टाइम मैंने कोई भी पॉइंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो कोई भी पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड कोई भी पॉइंट मैं किसी भी पॉइंट के बीच में घुसेड़ सकता हूं. तो तुम तुम्हारे बाबू को बोलो कि वो थाना थाते कॉल करे और तुम वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लो तब तक. तो आओ, ले चलता हूं तुमको तारों के शहर में. सॉरी, तो आ जाओ यार, लेके चलता हूं तुमको पहले पॉइंट की तरफ. आजकल ये रील्स ज्यादा देख रहा हूं, उसी का साइड इफेक्ट लगता ही है. तो यार यहां पे अपना पहला पॉइंट आता है आईजीएल गेमिंग स्टाइल. तो देखो, तीन तरह के गेमिंग स्टाइल होते हैं, पैसिव, अग्रेसिव एंड पैसिव टू अग्रेसिव. बेसिकली जो तुम्हारा रशर होता है वो बेसिकली प्रिफर करता है अग्रेसिव, लेकिन जो तुम्हारा आईजीएल होता है उसको मैं बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करूंगा कि वो अग्रेसिव गेम प्ले दिखाए. हाँ, मुझे बताए तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा ये सब एंड मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. देखो, मुझे काफी सारे बंदे पूछते हैं कि जगह भाई, क्या मैं एक आईजीएल होने के नाते एक रशर भी हो सकता हूं, क्या एक टीम में रशर आईजीएल बन सकता है? देखो, उसका जवाब ये है कि नहीं. हाँ, कुछ एक्सेप्शन केसेस में तुम ले सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी मैं बोलूंगा कि बिल्कुल भी एक रशर को आईजीएल नहीं बनना चाहिए एंड अगर वो आईजीएल है तो उसे रशिंग नहीं करनी चाहिए. हाँ, मुझे तो मुझे कुछ एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, लेकिन पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो. पहली बात होती है कि हमेशा पांच उंगलियां समान नहीं रहती, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, कभी भी कुछ भी हो सकता है. दूसरी बात ये है कि तुम्हारा आईजीएल होता है उसका काम होता है कि लॉन्ग टर्म का चीज विजुअलाइज करना, लाइक पूरा गेम में टीम को सेफली लेके कैसे जाए, नेक्स्ट जोन कहां पे बन सकता है, टीम को कैसे एक अच्छी खासी होल्डिंग पोजीशन पकड़ाए. अगर हम यहां पे होल्ड कर रहे हैं, अगर हम यहां से अभी रोटेशन ले रहे हैं, तो हम अपने बंदे को किस तरह भेजे स्काउटिंग के लिए, सारी की सारी चीजें आईजीएल को देखनी पड़ती है. लेकिन एक रशर को क्या देखना पड़ता है या फिर एक एग्रेसिव टाइप प्लेयर को क्या देखना पड़ता है, उसको शॉर्ट टर्म का सोचना पड़ता है, इसको कैसे मारू, अगली वाली दीवार के पीछे बंदा होगा या फिर कॉर्नर में बंदा होगा, लैंड में लगा होता होगा तो क्या करूंगा. एक एग्रेसिव प्लेयर शॉर्ट टर्म के लिए सोचता है और आईजीएल का काम शॉर्ट टर्म सोचना बिल्कुल ही नहीं. आईजीएल बहुत अच्छा सपोर्टर बन सकता है एंड उसे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम मिल जाए. हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरे बात को अपोज कर सकते हो कि भाई ऐसा कैसे तू बोल सकता है, मैं अपने टीम का रशर और आईजीएल एक साथ ही हूं. लेकिन भाई मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहूंगा, तुम अगर अपने टीम के आईजीएल प्लस रशर हो तो 10-15 मैचेस के लिए अपने रोल को डिवाइड कर दो. अगर तुम आईजीएल हो तो फिर रशिंग छोड़ दो एंड अगर तुम रशर हो तो फिर आईजीएलिंग छोड़ दो. इसलिए मैं 10-15 मैचेस कह रहा हूं क्योंकि उसमें तुम्हें फर्क देखने को मिल जाएगा. और देखो, अगर तब भी तुम्हें लगता है कि नहीं मैं गलत हूं, तो फिर गाली फेंक के जाना कमेंट सेक्शन में और क्या बात. तो यार अभी आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ. सेकंड पॉइंट है गाइस, फायरिंग ऑन व्हीकल्स. देखो, जब किसी टीम के प्लेयर्स रोटेशन लेते हैं व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए, वो अक्सर क्या करते हैं ना, मेसा की एबिलिटी इस्तेमाल करते हैं, दैट्स व्हाई तुम्हारे जो शॉट्स है वो कनेक्ट नहीं हो पाते. हां, जिनके प्रिसाइज एम अच्छे होते हैं उनके कनेक्ट हो जाते हैं, व्हीकल्स को बेसिकली वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. लेकिन मैक्सिमम केसेस में बंदा फेल हो जाता है यहां पे, आइदर व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने में और तो और प्लेयर को भी डैमेज देने. तो उस चीज से डील करने के लिए तुम्हारे लिए छोटा सा टिप है, जब भी तुम किसी व्हीकल्स के ऊपर फायर कर रहे हो एंड तुम्हारा स्कोप खुला हुआ है, तो ट्राई करना कि तुम्हारा जो स्कोप है उसको व्हीकल से स्लाइटली आगे की तरफ प्लेस करके फायर आउट देना है. तुम्हें व्हीकल्स के आगे फायर आउट देना है एंड वो शॉट जाके व्हीकल्स पे लगेगा ही लगेगा एंड वहां पे भी तुम्हें प्रिसाइज का इस्तेमाल करना है. जैसे जैसे व्हीकल्स आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारे स्कोप को व्हीकल्स के आगे लेके जाना है, व्हीकल से आगे रखना है तुम्हारे स्कोप को. आई थिंक तुम लोग समझ रहे हो. लेकिन हाँ, एक और चीज मैं आज के टाइम में नोटिस कर रहा हूँ कि देखो, बहुत सारे प्लेयर आजकल मीशा यूज करना छोड़ दिए, बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मीशा का यूज ये लोग क्यों नहीं कर रहे और तो और ये लोग व्हीकल्स का इस्तेमाल करना छोड़ ही दिए. भाई मैं सीधा बता रहा हूँ, तुम लोग के ना दिमाग में घुसा भरा हुआ है. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग ना ट्रेंड को फॉलो करते हो, ना कि स्ट्रेटेजिकली खेलते हो. भाई गेम को स्ट्रेटेजिकली खेलना चाहिए, ना कि ट्रेंडी तरीके से. हाँ, दो दिन के लिए मीसा का हाइप चला तो तुम लोग सभी यहाँ पे चारों के चारों टीम के खिलाड़ी सब मीसा लेके भाग रहे थे. और आज देखो तो भाई गेम को ना एनालाइज करो, सेल्फ एनालिस्ट बनो, पिछले वीडियो में मैंने बोला था. उसके बाद आ जाओ अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर. थर्ड पॉइंट है सेंसेशन ऑफ साउंड. अब देखो यार, जब साउंड की बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें हेडफोन या फिर ईयरफोन यूज करना पड़ेगा. चाहे तुम TWS यूज कर रहे हो, चाहे तुम ब्लूटूथ हेडफोन यूज कर रहे हो, चाहे तुम ईयरफोन यूज कर रहे हो. क्या मतलब है कि मैं अभी भी यूज नहीं करता? देखो, मैं पहले तुम्हें फायदा बताता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ अपना सीन क्या हुआ मेरे साथ. अब देखो मेरे भाई, जब तुम शॉर्ट रेंज में होते हो ना, तो तुम्हें मैप को देख के रश नहीं करना होता है, तुम्हें साउंड के मदद से रश करना होता है कि प्लेयर कहां से है, राइट से आ रहा है या फिर लेफ्ट से आ रहा है या फिर फेक रनिंग कर रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर प्रोन पोजीशन में आगे बढ़ रहा है. देखो यार, क्राउच पोजीशन में तो पता नहीं चलता, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं ईयरफोन्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं यार. देखो यार, तुम्हारा इतना तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि तुम्हारे और उस सामने वाले हरामी एनिमी के टीम के प्लेयर के बीच में स्पेस कितना है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, अप्रोक्स डिस्टेंस तो तुम्हें पता होना चाहिए. और देखो, अगर शॉर्ट रेंज में तुम मैप को देखोगे ना, तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे. अब देखो, जो मैं ये हेडफोन ईयरफोन वाली बात कर रहा हूं ना, ये मेरी मेन
पॉइंट नहीं है, मेरा मेन पॉइंट ये है कि मैप से नजर हटा। मैं बताता हूँ क्या सीन। देखो जब तुम मैप पे नजर डालते हो ना तो 1 सेकंड और 1.5 सेकंड ऐसा कुछ टाइम लग जाता है तुम्हें मैप पे नजर डाल के फिर से गेम के ऊपर नजर डालने का। जब तुम एक चीज से नजर हटा के दूसरी बार उस चीज को देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड थोड़ा सा टाइम लेने वाला है उस चीज को प्रोसेस करने में। देखो एनिमीज जो होते हैं ना, मतलब गेम के अंदर ऐसा चीज होता है कि एक एक सेकंड बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो मैप से नजर हटाओ। देखो जब तुम्हारा फाइट चल रहा है तो मैप के ऊपर उतना नजर तुम्हारा नहीं जाना चाहिए। हाँ मैप नॉलेज होना जरूरी है, मैप के ऊपर भी तुम्हें मतलब देखते रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मैप के ऊपर पूरा पूरा डिपेंडेंट हो जाओ। देखो तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो रहना चाहिए कि अगर वहां पे हमारा बंदा अगर शॉर्ट रेंज में घुसा है तो यही पर्टिकुलर बंदा घुसा होगा, इसको छोड़ के और कोई बंदा वहां पे रश करने नहीं गया होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे को कवर दे भाई, तो कहीं ना कहीं जो बंदा हमारे पर्टिकुलर टीम से बिलोंग करता है एसल्टर से, तो वही बंदा मेरे को कवर देगा एंड उसके अलावा कोई नहीं देने वाला। ये चीज ना तुम्हारे दिमाग में रटके होके रहना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो रशर है तुम्हें ये भी पता रहना चाहिए कि उसका कैपेबिलिटी कितना है, वो कितना ज्यादा यहाँ पे डोमिनेंस दिखा सकता है, वो एक साथ कितने टीम्स को मार सकता है, वो एक साथ कितने बंदों को लपेट सकता है, वो चीज तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। तुम्हें ये भी पता रहना चाहिए तुम्हारे स्नाइपर प्लेयर की एक्यूरेसी कितनी है। और अगर हम एक क्लोज रेंज के अंदर अगर फाइट कर रहे हैं, घर के अंदर अगर तुम्हारा रशर फाइट कर रहा है, तो तुम्हारे स्नाइपर प्लेयर को ये पता रहना चाहिए कि हमारा जो रशर है वो कहीं ना कहीं प्लेयर को घुमा घुमा के, सामने वाले खिलाड़ी जो है वो उनको घुमा घुमा के घर के बाहर लाएगा ताकि स्नाइपर प्लेयर जो है यानी कि मैं जो हूं उनके ऊपर शॉट्स कनेक्ट कर पाऊं। तो ये चीज तुम्हारे स्नाइपर प्लेयर को पता होनी चाहिए, ये चीज तुम्हारे रशर को पता होनी चाहिए, ये चीज तुम्हारे असल्टर को पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे टीम के सारे प्लेयर्स को पता होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं हम एंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज पे हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। जब एक साथ दो तीन टीम्स हमें फाइट कर रही है मिड रेंज के अंदर, तो मैप देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता है उनके पोजीशंस। तो मैं बताता हूँ कि मेरे साथ अभी क्या हुआ था भाई। मैंने सोचा कि चलो एक गेमिंग ईयरफोन लेता हूँ, और मेरे को ना वो TWS वाले पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिया वो वायर्ड वाला, लाइक वो जो गले में लटकता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ बोलते हैं नेक बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो उसके मैंने लिया और ये रहा वो ईयरफोन, ठीक है। मतलब मेरे को ना ऐसी थी कि मेरे को लाइटों से बहुत प्यार है, ठीक है। तो इसमें थी लाइटें, वो भी एकदम चमकने वाली, वो भी ब्रीदिंग इफेक्ट पे, तो मेरे को पसंद आ गया। और उधर लिखा था कि यहाँ पे गेमिंग हेडफोन, आई मीन गेमिंग ईयरफोन है, तो मैंने कर दिया ऑर्डर। उस पर रिव्यूज भी देखे मैंने, वहाँ पे लिखा था कि वर्स्ट गेमिंग हेडफोन, लेकिन तुम्हारे भाई को था लाइटों से प्यार, तो मैंने वही ऑर्डर किया। जबकि मेरे को पता था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कतें होने वाली है, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में मैंने किया कि नहीं कंपनी फ्रॉड कैसे कर सकती है, कंपनी झूठ कैसे बोल सकती है, और मेरा चूतिया कट गया। इसमें ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक गोली मारूंगा उधर पे एक सेकंड बाद जाके सुनाई देता है, तो भाई दुख दर्द पीड़ा कष्ट सब एक साथ मेरे पर टूट पड़ा। और आओ बढ़ते हैं हमारे चौथे टॉपिक की तरफ। अब देखो यार, जो हमारा चौथा टॉपिक आता है वो है बिल्डिंग सिनर्जी। अब देखो सिनर्जी कैसे बिल्ड होता है, सिंपल सा मतलब है मेंटल हेल्थ, यानी कि तुम्हारे टीम सिर्फ गेम के साथ ही कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, गेम है तो तुम लोग कनेक्टेड हो, तुम लोग पर्सनली भी कनेक्ट होना चाहिए। यार देखो तुम्हें इन टच रहना पड़ेगा। नहीं यार ऐसी वाले टच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि मतलब मन की भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांटता रहना चाहिए, और लाइक गेम को छोड़ के भी तुम्हारे बीच में बहुत सारी बातें होनी चाहिए। एंड देखो बात ऐसी नहीं है कि तुम हर वक्त गेम खेलते हो एंड सिर्फ तुम्हारा मतलब गेम से हो, नहीं ऐसा होगा तो फिर नहीं चलेगा मेरे भाई। तुम्हारा कितना ही बढ़िया फायर पावर हो, तुम्हारी कितना ही बढ़िया गेम सेंस हो, लेकिन अगर तुम्हारी टीम के बीच में सिनर्जी नहीं है, अगर तुम्हारी टीम में एक दूसरे का मेंटल हेल्थ सेम नहीं है, यानी कि अगर एक दूसरे को नहीं समझ पाते तुम लोग, तो फिर तुम्हारे सामने कितनी भी नुबड़ी टीम आ जाए भाई तुम पिट के आओगे। नहीं तुम उनको नहीं पिटोगे, वो तुम्हें पहल देंगे। देखो इस बात को लाइटली नहीं लेना, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक कनेक्शन बनाना जरूरी है, आफ्टर ऑल भी तुम्हारे दोस्त है, अरे गेम पे प्लेयर है मेरे भाई, बट एक्चुअल लाइफ में तो दोस्ती है ना यार, अगर नहीं है तो बना लो, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आ जाओ हमारे 5th पॉइंट के ऊपर। अब देखो 5th पॉइंट आता है, 5th पॉइंट के अंदर मैंने दो चीजें ऐड करी है, वो है कि लिसनिंग टू द कॉल्स एंड मिनिमाइजिंग योर लूट टाइम। अब देखो पहली चीज आती है लिसनिंग टू द कॉल्स, यानी कि जो तुम्हारा IGL कॉल देता है वो तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं है, उसके ऊपर फटाक से काम करना है। अगर तुम्हारा IGL बोलता है कि यहाँ पे मेरे को कवर चाहिए, या फिर अगर तुम्हारा रशर बोलता है कि मेरे को अभी कवर चाहिए, तो तुम्हारा असल्टर सिर्फ सुन के फटाक से कवर वाली पोजीशन ले लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारा रेस्पॉन्डिंग टाइम तुम जितना कम कर सकते हो उतना कम करने की ट्राई करो, एंड बहुत कम करने की ट्राई करो मेरे भाई, बोलते ही फटाक से एक्शन। तो इसी के साथ ही साथ मैं बात कर रहा था कि मिनिमाइज योर लूट टाइम। इसका मतलब सिंपल से ये है कि आजकल मैं बहुत सारे ऐसे टीम को देखता हूँ भाई, यहाँ पे 5-6 मिनट तक यहाँ पे बैठ बैठ के लूट करते हैं, हर एक घर को चप्पा चप्पा छान मारते हैं, और भाई मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। लाइक उनका लूट कंप्लीट हो जाता है, 5 ग्लू वॉल 4 मेडिकेट ये सब लूट करके भाई निकल जाना चाहिए, मतलब 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर उनको निकल जाना चाहिए। लेकिन यार पता नहीं यार 5-6 मिनट तक क्या लूट करते हैं, और फिर बोलते हैं भाई हमें तो किल नहीं मिला भाई, तुम 5-6 मिनट यार, मैंने देखो 7-7 मिनट तक मैंने देखा भाई टीम्स वहीं पे भाई भटकती रहती है। हाँ भाई मानते हैं तुम जोन आने का वेट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन यार जब तक तुम वेट करोगे ना तब तक बंदे मर जाएंगे, क्योंकि जब से ये रिवाइवल पॉइंट आया ना तो सर्वाइवल का कोई सवाल नहीं उठता मेरे भाई, बहुत मिनिमल केसेस होते हैं जहां पे बंदे सर्वाइव करते हैं। एंड मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, उस चीज की तुम्हें आदत डालनी है, तुम्हें कम लूट के साथ फाइट लेने की आदत डालनी है। अगर तुम्हारे ड्रॉप स्पॉट पे कोई और टीम आ जाती है, तुम्हारे साथ क्लैश करती है, तुम्हें ये नहीं बोलना है कि वो टीम ने हमसे क्लैश करा, हम लोग रेडी नहीं थे, हमें वेपन नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, इसलिए हम मर गए और क्वालिफाई नहीं कर पाए, नहीं बहनचो वो नहीं बोलना है। तुम्हें खुद को इतना रगड़ना है कि कम से कम मिनिमम लूट में भी तुम फाइट को निकाल पाओ, खुद को इतना ज्यादा रगड़ो, इतना ज्यादा भाई घसीटो खुद को, किसी भी सिचुएशन में तुम फाइट को हैंडल कर पाओ। और उसी के साथ क्या तुम्हें पता, ये सारी की सारी चीजें ना गेम सेंस के अंडर आती है, एंड गेम सेंस के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, अगर जाननी है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर टैप करना, एंड उसी के साथ ही साथ हमारे चैनल के रीसेंट वीडियो देखने के लिए राइट वाले वीडियो पर टैप करना, आपको पता चल जाएगा। अब देखो यार चैनल की थोड़ी सी रीच कम हो रखी है, तो यार ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन यार प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लेना प्लीज भाई, और क्या
बोल सकता हूँ यार। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था एंड होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो यार मैं मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।